काउंटर मूव्स आप समझते हैं कि इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लेगी विज़ अफगानिस्तान एंड ईरान? देखिए, ये जो पाकिस्तान में तासर पाया जाता है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है और वहाँ पे किसी सूरत में एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट आ जाती है जिसको लीड कर रही है तालिबान जैसी तहरीक, तो हिंदुस्तान का असर रसूख वहाँ कम हो जाएगा। ये तासर कती तौर पर गलत है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। मैं एक बात आपको अर्ज कर लूँ कि जो भी हुकूमत आएगी अमेरिका के निकलने के बाद, वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करेगी, बशमूल तालिबान के। तालिबान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात खराब हों। ये बात जरूर, इसकी वजह यह है कि पहली बात, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के 2000 साल पुराने तहजीबी सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको वो ख़राब करने कभी नहीं देंगे। तीसरी बात, हिंदुस्तान वहाँ $3 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसकी नज़र सेंट्रल एशिया पर है और उनके हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज पे है, और अफगानिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड है उनके लिए, क्योंकि हिंदुस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है और वो सेंट्रल एशिया से भी और ज़राए के अलावा सेंट्रल एशिया से भी वो लेंगे। तो तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान को मदद की ज़रूरत है और वो नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान जैसे एक बड़े मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों और उनसे जो मदद की तवक्को की जा रही है वो मदद उनको हासिल न हो सके। तो इन वजूहात के बिना पे अगर आप तालिबान की लीडर से बात करें तो वो भी आपको यही बताएंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अफगानिस्तान के साहिल को हम किसी और मुल्क के खिलाफ कोवर्टली या ओवर्टली इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, ये एक मुझे क्वेश्चन एक मेरे जहन में आता है कि तालिबान वो फोर्स हैं, जितना हम हिंदुस्तान की राइटिंग देखते हैं, उनकी पोजीशंस देखते हैं, उनके थिंक टैंक हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च को देख लें, उनके लिखने वाले, उनके एडिटर्स, उनके अखबारात, उनके जो ऑपेट छपते हैं, उनके टेलीविजन में जो डिस्कशंस होती है, जो उन्होंने लिटरेचर सारा लिखा है 20-25 बरस में, वो तो एक्सट्रीमली वेनमस है। वो तो तालिबान को एक बहुत बड़ा इस खत्ते का स्कोर जिस समझते हैं, उसको एक मसला समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं। अगर उन्होंने मोहित पीरजादा को गली निकालनी है, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते कहते हैं तालिबान का एजेंट है, ये तालिबान लगता है, इसकी शक्ल से तालिबान लगता है। तो आप कह रहे हैं कि तालिबान में इतनी एक हमदर्दी पाई जाती है हिंदुस्तान के लिए, थोड़ी इसकी तो वजाहत कर दें, क्या वजह है? मैं उसकी वजह आपको बताऊं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ये तासर पाया जाता है कि तालिबान जो कुछ पाकिस्तान कहता है वही करते हैं, वो पाकिस्तान के चहीते हैं, पाकिस्तान ने उनको प्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान उनको सस्टेन कर रहा है, पाकिस्तान उनको गाइड कर रहा है, पाकिस्तान उनको इंस्पिरेशन देता है। ये सब बातें कुछ हद तक सही हैं, काफ़ी हद तक ये गलत हैं। सिर्फ इसलिए कि उनकी लीडरशिप पाकिस्तान में बैठी हुई है, इसका ये मकसद नहीं है कि तालिबान वो कुछ करेंगे जो उनको कहा जाएगा। आपको मालूम है कि तालिबान ये समझते हैं, बल्कि अक्सर अफगान ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत को 2001 में ख़त्म करने में सबसे कलीदी रोल जो था वो पाकिस्तान का था, कि उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए बगैर किसी से अप्रूवल लिए, बगैर किसी पार्लियामेंट से, किसी कैबिनेट से अप्रूवल लिए हुए एक आधी रात के टेलीफोन कॉल पर सारी पॉलिसी बदल दी। वो ये भी कहते हैं कि 500 लोगों को उनके अमेरिका के हवाले किया, वो ये भी कहते हैं कि हमारे सफीर को उन्होंने अमेरिका के हवाले किया। तो उनके अपने हैं उनके तालिबान के, लेकिन वो उस वक्त आप देखेंगे जब एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन अफगानिस्तान की वो अगर पोजीशन संभालेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि उनकी पॉलिसी में वो ठीक। अच्छा, बड़ा प्रोवोकेटिव आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आ गया है, जरा इसको